भी आ गया है और उसने मतलब बातचीत चल रही है कि बैन होगा, तो मैं तो उसको सपोर्ट करती हूँ. मेरे को लगता है नहीं होना चाहिए. और कोई स्पेसिफिक अगर हमारे पास कंप्लेंट आएगी, इनफैक्ट मुझे याद है एक कंप्लेंट आई भी थी और उस पर हमने एक्शन भी कराया था, और मतलब सरोगेसी हो चुकी थी और लड़की को पैसे भी नहीं मिले थे, तो लड़की के कुछ 10-12 लाख रुपए हमने करवाए थे. बट आई थिंक इट इज मतलब इट्स क्वाइट इनह्यूमन. हॉस्पिटल्स बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारी वेमेन, जैसे जीबी रोड पे चल रहे, वैसे ही ये सरोगेसी. अगर ऐसा आपके नज़र में कुछ है तो प्लीज़ आप मुझे अभी सेपरेटली बताइए, वी विल डेफिनेटली टेक एक्शन. जी शायद अखबार पढ़ लें, क्योंकि मेरा तो उन्होंने आज तक पत्र मुझे नहीं लगता कोई भी पढ़ा है. मैं बहुत पत्र उनको लिख चुकी हूँ. ब्लूप्रिंट बड़ा सिंपल है. आप हजारों करोड़ अपने पास लेके बैठे हो, आप क्यों नहीं उसको स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं विद अ कैविएट. जस्ट टेल द स्टेट्स कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए इससे पुलिस स्टेशंस में, आप लगाइए वहां पे फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज ठीक कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए, पुलिस की रिसोर्सेज स्ट्रेंथन कीजिए, पुलिस को मोबाइल यूनिट्स दीजिए. कितना काम कर सकते हैं पर लेके बैठे हैं, और उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो बैठ के डिसाइड करते हैं. कोई स्टेट पहले लिखेगा, मतलब 20-25 महीने तो दिल्ली सरकार ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि बसेस में सीसीटीवी कैमराज लगने चाहिए थ्रू निर्भया फंड. 20 महीने इधर उधर करके फाइनली मना कर दिया, मजाक बना के रखा है. तो आई थिंक इट इज़ अ रियल शेम, एंड प्लीज़ आप इसको छापिए सो दैट प्रधानमंत्री जी कुछ तो सुने.